नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता आपके अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटेंड में फिर एक बार स्वागत करता हूं। जो भी अभी तक वीडियोस बनाए गए हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी पर, मुझे आशा है बल्कि विश्वास है कि वो आपके काम आ रहे होंगे। ये इसी उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं कि वो उनसे आप लाभ उठाएं, प्रैक्टिस में उनको इस्तेमाल कर पाए, उसी से इस चैनल की उपयोगिता है। तो मैंने ये सब इसलिए बना रहा हूं कि बहुत से रिमोट एरियाज हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां होम्योपैथ सेमिनार से अटेंड करने के लिए नहीं आ पाते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, आर्थिक कारण होते हैं, दूरी होती है, पारिवारिक कारण होते हैं। तो उन सबको सुविधा मिले और अपने घर बैठ के आप वो आराम से होम्योपैथी की स्टडी कर सकें, इस इनको बनाने के पीछे यही भावना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरी ये मेहनत सफल हो सके और होम्योपैथी घर घर तक एक विश्वसनीय मेडिकल साइंस के रूप में स्थापित हो सके। तो चलो फिर एक बार एक नई दवाई एक केस के माध्यम से हम सीखेंगे। ये जो केस होते हैं इनके ज्यादातर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन प्राइवेसी इश्यूज के कारण वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपको यहां पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले इन वीडियो रिकॉर्डिंग का वर्बेटम यानी जो कुछ मरीज ने कहा उसका शब्द बाई शब्द उसकी भावनाओं को पेपर पर लिखकर उसको ऐसा का ऐसा हूबहू ऐसी कोशिश करता हूं कि जो कुछ क्लिनिक में मैंने देखा वो पूरी तरह से उसकी एक फील आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। ये है एक केस, लगभग 12 साल की एक लड़की है। तो इसको लगभग 3 साल पहले जब ये केस रिकॉर्ड किया गया उससे लगभग 3 साल पहले इसको अस्थमा बचपन से था और इसका अटैक जो शुरू होता था वो अप्रैल से शुरू होकर जुलाई तक अस्थमा का बहुत जबरदस्त अटैक इसके ऊपर आता था। बचपन से बहुत परेशान थी ये। तो इसको सोराइनम 200 की एक डोज देकर इसका अस्थमा ठीक किया गया था। उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो अब 3 साल से ये बिल्कुल ठीक चल रही थी, इसको कोई दौरा नहीं पड़ा, कोई छोटी मोटी परेशानी भी उस सीजन में इसको नहीं हुई जैसे कि आमतौर पर इसको होती थी। तो अब 3 साल के बाद फिर अचानक इसकी माँ का फोन आता है मेरे पास कि इसको फिर तेज दौरा पड़ा हुआ है। तो अब जो दौरा पड़ा है ये लगभग 15 दिनों से इसको परेशानी चल रही है। तो इसकी माँ ने मेरे को फोन किया कि भाई ये कि मैं इसको अभी अंग्रेजी का मतलब है एलोपैथिक दवाई दे रही हूं पर उन दवाई से इसको कोई आराम नहीं आ रहा है, इसलिए डॉक्टर साहब मैं आपसे दवाई लेना चाहती हूं। तो इसने कुछ हालचाल बताया और इसकी नानी आके मेरे से दवाई ले गई, जो कि क्योंकि इसका घर मेरे से लगभग 30 किलोमीटर दूरी से पर है और इसका आना जाना मुश्किल है और नानी बिल्कुल मेरे बराबर में ही रहती है। तो उसने इससे दवाई लेकर, क्योंकि अब रोगी से हालचाल पूछा नहीं था, रोगी को देखा नहीं था और इसकी माँ भी बहुत अच्छे से इसके बारे में हालचाल बता नहीं पाती है, इसलिए ये पूरी तरह से मानसिक आधार पर इसको दवाई का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता था। इसलिए मैंने इसको कुछ ऐसे ही जो भी समझ में आई उस वक्त जो 3 दवाइयां इसको प्रिस्क्राइब की। तो उन जो जनरली वो भौतिक मतलब फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर थी और पिछला इतिहास देखा, पिछले बच्चे की चीज देखी, पिछले क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन होते रहे हैं, तो उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको 3 दवाइयां हमने दी। तो ये हर बार एक दवाई खिलाती इसकी माँ और उसको कहा गया कि भाई आप एक दवाई खिलाइए और फिर मेरे को पेशेंट का हाल चाल बताइए। तो ये हर बार दवाई खिलाती रही और हाल चाल बताती रही, पर जब भी मैं इसको कहता कि भाई बच्चा ये बताओ रोगी क्या कर रहा है, क्या चाहता है, स्वभाव कैसा है, तो ये माँ में इतनी समझ नहीं है कि वो रोगी के हाल को अच्छे से ऑब्जर्व करके मेरे तक पहुंचा सके।
तो तीनों दवाइयां पहले सोराइनम 1 mg दी गई, क्योंकि पहले 200 से सोराइनम 200 से 3 साल ठीक रही, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी पोटेंसी अभी बढ़ाई। एक आर्सेनिक एल्बम दी गई कि नॉर्मली कि अस्थमा वगैरह है, बेचैनी है, तो शायद उससे काम बन जाएगा। और तीसरी फिर बिल्कुल ही फिजिकल, जिसे ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर दिया गया। तो तीनों दवाई को बारी बारी से, जब एक से आराम नहीं आए तो दूसरी से, तो मतलब ये एक हिट एंड ट्रायल वाला मेथड था, क्योंकि कोई भी जानकारी मेरे पास थी नहीं, पर दवाई तो देनी थी इसको। अब बार बार माँ को समझा रहे पर ये उसको कुछ बता नहीं पा रही। तो फिर ये सुबह अप्रैल में 21 अप्रैल 16 को सुबह 6:15 बजे, 6:25 पे शाम को 21 अप्रैल 16 की शाम को 6:25 पे फिर फोन आता है इसका। तो इसकी माँ क्या कहती है, डॉक्टर साहब उसको एक नंबर की खुराक दी गई थी, मतलब सोराइनम 1 mg दी, तो उसकी तबीयत तो डॉक्टर साहब बहुत खराब है। अब मैं उससे पूछा भाई कितना टाइम हो गया दवाई दिए हुए, 4 घंटे हो गए, उस दवाई का क्या असर रहा? वो सब डॉक्टर साहब जब स्कूल से आई थी तो इसकी तबीयत काफी खराब थी, कह रही थी कि स्कूल वाले तो मुझको थका कर रख देते हैं, स्कूल से आकर ये काफी थकी हुई लग रही थी और बेहोश होने वाली थी। डॉक्टर साहब इसकी तबीयत तो बहुत खराब है, मतलब रोगी के बारे में कुछ ना बता के ये अपने चिंताएं अपनी फिक्र बताती है। फिर मैं उसके बोलता हूँ भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि दवाई दे हुए कितना समय हो गया और उसका क्या असर रहा, 4 घंटे हो गए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अभी तो ठीक नहीं है, अभी तो ठीक है, वो सो रही है। तो उस मैं उसको कहता हूँ भाई जाग जाएगी, जागने के बाद लगभग 1 घंटे उसको देखना और फिर मेरा हालचाल उसको मेरे को हालचाल बताना। तो शाम को फिर 6:38 पे फोन आता है इसका, डॉक्टर साहब मैंने अनन्या से, डॉक्टर साहब मैंने बेटी से बात की है, वह कह रही है कि मुझे सांस चढ़ रही है, मुझे नेबुलाइजर दे दो। अब पीछे से जो बेटी है इसकी, उसकी आवाज आ रही है, मम्मी मैं सो नहीं पाई थी, वो बड़ी जैसे परेशान हो रही है। मैंने इसको 3 बजे दोपहर, माँ बता रही है कि 3 बजे दोपहर नेबुलाइजर दिया था, अब ये दोबारा यानी लगभग 3.5 घंटे बाद ही दोबारा नेबुलाइजर की मांग कर रही है। तो मैंने को नेबुलाइजर देना हम लोग नहीं चाहते थे होम्योपैथी के कारण, तो इसको मैंने कहा कि आप दूसरे नंबर की दवाई यानी आर्सेनिक 200 की एक खुराक दे दो, और 1 घंटे में ठीक ना लगे तो तीसरे नंबर की यानी ब्लाटा ओरिएंटलिस देते रहना, तो उससे हमें उम्मीद है कि कुछ हद तक 1-2% इसको आराम आ जाएगा, तो कल मेरे पास ये ला सकती है। तो लेकिन शाम को 7:21 पे इसका फिर फोन आता है, इसको मैंने डॉक्टर साहब तीनों दवाई दे दी, इसकी तबीयत बहुत खराब है, कह रही है कि मेरा सांस फूल रहा है, बेचैनी है, मुझे नेबुलाइजर ही दे दो। अब मैंने इसको नेबुलाइजर दे दिया है, अब इसके आगे क्या करना है आप मुझे बताओ। अब जब इसने नेबुलाइजर दे दिया, दवाई भी खत्म हो गई, तो हम इसको कुछ बता नहीं सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब यह रोगी घर से काफी दूर रहती है, तो इसके पास दवाई नहीं पहुंचाई जा सकती, तो इसलिए सुबह तक इंतजार करना ही था। तो मैंने कहा अभी यही दवाई देते रहो और सुबह मेरे को बताना। तो सुबह 7:11 पर फिर फोन आता है इसका, डॉक्टर साहब बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसने पूरी रात बैठकर गुजारी है, उसको नेबुलाइजर से भी कुछ आराम नहीं आ रहा है, एक बूंद पानी तक मुंह में नहीं लिया है। डॉक्टर मैंने कहा भाई अपने बारे में क्या कह रही है वो, मतलब हमें जो रोगी के स्वभाव के बारे में जानने की इच्छा थी उसी से हमारा प्रेस्क्रिप्शन बनता है, ना कि माँ की बेचैनी। माँ कुछ नहीं कह रही डॉक्टर साहब, वह तो सांस ही नहीं ले पा रही है, वो बस लेटी हुई है, जैसे तो हालत बहुत खराब है इसके डॉक्टर साहब, बहुत ही बुरी हालत है जी उसकी। तो जैसे नेबुलाइजर देने का समय डॉक्टर ने डॉक्टर साहब कह रखा है 4 घंटे से पहले इसको नेबुलाइज मत करना, पर ये तो 3 घंटे से पहले ही शोर मचाना शुरू कर देती है, मम्मी मुझको नेबुलाइजर दे दो, मुझको सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। और जब मैं इसको नेबुलाइजर देती हूँ तो केवल 1 घंटे तक कुछ ठीक रहती है और इसको फिर परेशानी शुरू हो जाती है। नेबुलाइजर के बाद थोड़ी देर बाद तक तो आंख बंद करके लेट पाती है और 1 घंटे बाद ही उसकी सांस फिर फूलना शुरू हो जाती है। मतलब नेबुलाइजर का असर केवल 1 घंटे रह पा रहा है, जबकि डॉक्टर्स के हिसाब से 4 घंटे रहना चाहिए। तो माँ किसी भी किस्म की जैसे कोई जानकारी नहीं दे पा रही है, सिवा इसके कि वो ज्यादा तबीयत खराब है। तो इसलिए संक्षिप्त सी जानकारी के आधार पर हमने कुछ इसके रूब्रिक बनाए, जो कि इस
सिस्टम की बहुत विशेषता है कि हम बहुत ही कम जानकारी के बाद भी रोगी को बहुत सटीक दवाई दे सकते हैं, इसलिए बहुत ही सुपर मेथड है माइंड वाला। तो पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक इसका था वो था कि डेल्यूजन फास्टिंग ही इज, ये हमारी रिपर्टरी में एक रूब्रिक है जो कि शायद अब सॉफ्टवेयर वालों ने इसको हटा के किसी और स्थान पे डाल दिया गया है, लेकिन ये सिंथेटिक रिपर्टरी जो जिस हमारे पास हार्ड कॉपी यानी बुक फॉर्म में है उसमें है ये। दूसरा रूब्रिक है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड इन क्रूप, क्रूप में गले की जो प्रॉब्लम होती है उसको। फिर दूसरी तीसरा सिम्टम है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज परसिक्यूटेड और डिसकंसर्टेड, डिसकंसर्टेड ये पहले हम कर चुके हैं तो आप उसको दूसरे वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, और लेमेंटिंग होर्स। तो ये मेंटल सिम्टम जो रोगी की हालत के हिसाब से बताए गए तो उनके आधार पर मेडिसिन दी गई, इन सभी के अंदर ब्रोमियम नाम की मेडिसिन शामिल है। तो इसको ब्रोमियम की खुराक दी गई और रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, यानी ब्रोमियम सीधा 1 mg दी गई क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा इसकी खराब थी और मेरे पास केवल ब्रोमियम 1 mg ही उस वक्त अवेलेबल थी, तो इसको ब्रोमियम 1 mg की दवाई देके इसके पास भेज दिया गया और कहा कि इसको एक खुराक दे दो और उसके बाद फिर मुझको आप रिपोर्ट करिए। तो इसने दोबारा जब फोन किया मेरे को ये 22/4/16 शाम 5:38 पर, डॉक्टर साहब उसकी तबीयत तो काफी ठीक है अब वो खा पी रही है, भाई डॉक्टर साहब उसके गले में काफी खराश है, मतलब इसकी माँ कभी भी ये नहीं कहती कि ठीक है, मतलब उसको समझ ही नहीं आती कि बच्चे में कितना परिवर्तन आया है, क्या है उसकी मेंटल स्टेट क्या है, ये अपनी चिंता फिक्र के बारे में बात करती है बस ये। तो मैंने कहा उसको हर 2 घंटे बाद दवाई देते रहो, अब बीमारी की तीव्रता और रोगी की कमजोर क्योंकि रिएक्शंस बहुत कमजोर है, फीबल है, दुबली पतली ये लड़की है, तो इसको ध्यान में रखते हुए दवाई की खुराक को बार बार देने के लिए कहा गया। तो माँ बोलती है क्या उसको गले की खराश इसी दवाई से ठीक हो जाएगी, तो हमने उसको बड़े आत्मविश्वास से बताया हाँ ठीक हो जाएगी, थोड़ा गरारे करवा देना अगर नहीं होती है। तो नेक्स्ट डे सुबह 7:10 पर ही फोन आ जाता है क्योंकि माँ इसके बारे में बड़ी चिंतित रहती है, अकेली बेटी है इसकी, इसकी और इसके जो ससुराल वाले हैं माँ बाप नाना दादा दादी वगैरह सब होम्योपैथी के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, उनको लगता है कि होम्योपैथी से कुछ होता नहीं है, इतना सब कुछ देखने के बाद भी उनको विश्वास नहीं होता है। माँ कहती है कि इसकी तबीयत काफी ठीक है खा पी रही है, तो मैंने कहा इसको दवाई ये वाली बंद कर दो और दूसरी दवाई मतलब प्लेसेबो देना शुरू कर दो। तो 3 दिन के बाद इसका फोन आता है 26 अप्रैल को सुबह 7:27 पे, उसकी तबीयत काफी ठीक है, दिन में आपको नेबुलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, परंतु रात को वह डर रही थी कि उसको सांस ना फूल जाए, इसलिए वह कह रही थी कि उसको नेबुलाइजर दे दो, इसलिए मैंने रात को उसको नेबुलाइजर दे दिया। तो अभी इसको प्लेसेबो देते रहने के लिए कहा गया जब तक कि दोबारा तबीयत ना खराब हो, अगर मैं जब खराब होगी तो आप मुझसे दोबारा संपर्क करें। तो ये इसकी स्थिति रही। तो उसके बाद इसने संपर्क मतलब दवाई के लिए नहीं किया क्योंकि मेरी ये जानकार है लोग आते रहते हैं, तो उससे पता लगा कि इसकी बिल्कुल ये तबीयत ठीक है और फिर सहयोग भी ये लोग करते हैं तो मुझको ये मंदिर में भी मिल जाते हैं, तो वहां बच्चे से मुलाकात हुई तो ये ठीक थी बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि हमने ये प्रिस्क्रिप्शन कैसे दिया, इनको कुछ स्टडी करते हैं, इन रूब्रिक का मतलब समझने की हम कोशिश करते हैं। कोशिश में बार बार इसलिए कहता हूं कि मैं केवल आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर अटेंटिव होकर नहीं समझने की कोशिश करेंगे, उसको क्रिटिकल एटीट्यूड से देखेंगे, अपने पुराना बैकग्राउंड जो भी आपके मन में चल रहा है जो कुछ सीखा हुआ है, तो इससे कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो आप एक रिजल्ट देख रहे हैं,
प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी दवाई तो 100% ठीक है। तो अगर ठीक है तो जो हमने सोचा है, समझा है रूब्रिक्स के बारे में, वो भी ठीक है। इसलिए हम इतने आत्मविश्वास से आपसे कह रहे हैं कि आप इसको समझिए ओपन माइंड से, ना कि इसको क्रिटिसाइज करिए। इसमें क्रिटिसाइज करने से हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, पर आप एक अच्छी नॉलेज जो होम्योपैथी की मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाएंगे। नुकसान केवल आपका है, अल्टीमेट फिर होम्योपैथी और समाज का है। तो उसके लिए आप ओपन माइंड से चलें। तो एक रूब्रिक है कि कैरिड डिजायर टू बी कैरिड इन क्रूप, क्रूप की बीमारी में इसको इच्छा होती है कि उसको कोई तेजी से ले जाए कहीं। ले जाने का मतलब होता है कि परेशान वाली हालत से किसी ऐसी कंफर्टेबल जोन में ले जाए जहां इसको आराम मिल सके, यानी इसको कुछ आराम दिया जाए, वो भी तेजी के साथ। ये नहीं कि इसको लटकाया जाए कि भाई 10 दिन के बाद। अब क्रूप जो होती है गले की एक एक्यूट डिजीज है, इसमें क्या होता है श्वास लेने में कठिनाई होती है और सूजन आ जाती है लैरिंग्स के अंदर, सूजन आ जाती है, यानी वो जिससे हम बोलते हैं वाक तंत्र, उसमें सूजन आती है और जो ट्रैकिया है सांस लेने वाली नली, उस नली में भी सूजन फैल जाती है, तो सांस में काफी कठिनाई होती है और उसमें म्यूकस भी भरा हो जाता है। तो इस बच्चे को सांस लेने में कठिनाई आना शुरू हो जाती है, तो यह नेबुलाइज करने के लिए कहती है। अब नेबुलाइज करने का क्या मतलब होता है, तो आराम चाहती है, तो रूब्रिक बनता है इसका कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। फास्ट माने तेजी से, मतलब जितना संभव हो सके उतना जल्दी मुझको आराम दे दो, ये इस रूब्रिक का फील होता है। फील का मतलब इसका सटल मीनिंग होता है, सूक्ष्म मतलब होता है। वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, अगर इंसान को लगता है कि मुझको जो कुछ मैं कह रहा हूं, जो मेरी इच्छा है जहां पहुंचने की, मैं वहां जल्दी से जल्दी मुझको आप पहुंचाओ, यानी वो खुद नहीं कर सकता है, तो तीव्र गति से इसकी इच्छा पूर्ति हो जाए ऐसी ये चाहत रखती है। तो नेबुलाइजर करने का समय 4 घंटे का है डॉक्टर के हिसाब से, परंतु ये बच्चा तो 2-2.5 घंटे के बाद ही नेबुलाइजर करने के लिए अपनी मां पर जोर डालने लगता है ताकि उसको जल्दी से आराम आ जाए। तो ये इस चीज का इंडिकेशन है कि वो जल्दी ठीक होना चाहती है, वो स्थिति में उससे टॉलरेट नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, बहुत परेशानी में हो। तो इसीलिए इसका तीसरा रूब्रिक बनता है डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, यानी वो बहुत ही ज्यादा तंगी की हालत में है। और कौन तंग कर रहा है उसको, एक तरफ मां कर रही है नेबुलाइजर ना देके, दूसरी तरफ उसकी जो बीमारी है वो उसको तंग कर रही है। बच्चा अपनी तकलीफ बीमारी के कारण काफी परेशानी में है, दुखी है, परेशान हो रहा है, ताकि वह स्कूल नहीं जाना चाहती, घर में लेटी रहती है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जिसमें केवल एक ही दवाई है ब्रोमियम, वो है डेल्यूजन फास्टिंग ही इज, अर्थात इसका मतलब हुआ कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो फास्ट यानी व्रत कर रहा है। अब व्रत करना, इसको समझना होगा कि व्रत क्या चीज होती है। व्रत करना मतलब होता है कि जैसे हम लोग त्योहारों पे व्रत करते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, ऐसे नवरात्रि में व्रत करते हैं, तो उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ प्रकार का खाना पीना नहीं अवॉइड करते हैं। अवॉइड का मतलब है कि लेते ही नहीं है, तो उसको व्रत कहा जाता है। कुछ अपनी मर्जी से चीजें करते हैं, जैसे मौन व्रत रख लेते हैं, यानी जो रोजमर्रा में हम जो बोलते रहे हैं कि हम फैसला करते हैं कि अब मैं इतने दिन इतने समय इतने घंटे जो भी हम डिसाइड करते हैं उस समय तक बोलेंगे नहीं, तो मौन व्रत हो जाता है। तो ऐसे ही होता है कि हम लोग कुछ धार्मिक चीज, समय होता है जब हम कहते हैं कि भाई अब ये हम 1 महीने तक सेक्स नहीं करेंगे, तो ये उन्होंने अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज किया हुआ है, यानी अब हमारा इसमें व्रत ले लिया है कि हम इतने दिन तक सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो मौन व्रत हो गया। ऐसे ही ये फोर्स्ड भी हो सकता है, फोर्स्ड माने दूसरे के द्वारा थोपा हुआ भी, मजबूरी में भी किया जाता है। जैसे डॉक्टर्स लोग जब कोई टेस्ट बताते हैं किसी चीज के लिए, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जहां आपको खाली पेट जाना होता है, तो डॉक्टर भी कहते हैं भाई आप 14 घंटे तक कुछ नहीं खाना, या 20 घंटे कुछ नहीं खाना, या 12 घंटे कुछ नहीं खाना, तो वो उनकी जो भाषा होती है वो होती है यू हैव टू फास्ट फॉर 12 आवर्स, फॉर 20 आवर्स। फास्ट का मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपको खाने से रोका जा रहा है, जबकि आप नॉर्मली रोज खा रहे हैं,
अब उसको रोका है। तो ये फोर्स्ड भी हो सकता है व्रत, और अपने वॉलेंटरी यानी अपनी इच्छा से भी किया जा सकता है। अब इस बच्चे के केस में क्या हो रहा है इसको समझते, यानी इसको इस हालत में, सांस की हालत में इसको जरूरत है नेबुलाइजर की, यानी ये बच्चे को लग रहा है ये मेरी नीड है, अब मैं इसको लेती हूं तो ठीक रहती हूं, यानी एक मेरा रूटीन में आ गया है। और ये 4 घंटे के बाद इसको दिया जाना चाहिए हिसाब से, मेडिकली डोज के हिसाब से। तो माँ इसको 4 घंटे बाद ही देना चाहती है, ये उसका अपना जजमेंट है और सही तरीका भी है, परंतु इस बच्चे को उसकी जो खुराक है वो लगता है कि 2-2.5 घंटे में ही उसकी नीड महसूस होने लगती है, पर माँ नहीं दे रही है। तो एक किस्म का ये फोर्स्ड हो गया, उसके ऊपर थोपा हुआ हो गया भाई आपको नेबुलाइजर अभी नहीं मिलेगा, तो इसको लगता है कि मुझको दिया नहीं जा रहा और मुझको जरूरत है। तो ये हुआ फास्टिंग। तो इस मेन रूब्रिक इसका ये है, क्योंकि उसने और कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बातें नहीं करी थी बच्चे की माँ ने, बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो बच्चा 4 घंटे की बजाय 2-2.5 घंटे में ही शोर मचाना शुरू कर देती है कि मुझको नेबुलाइज कर दो, मुझको अभी दे दो मम्मी, मुझको सांस नहीं आ रहा, यानी और मम्मी दे नहीं रही। तो उसको लगता है मम्मी दे नहीं रही है, अगर दे देती तो बच्चा बार बार शोर क्यों मचाएगा। तो इसलिए इसको लिया गया था कि डेल्यूजन फास्टिंग ही इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है ब्रोमियम का, और इससे मैंने बहुत सारे केसेस अलग अलग बीमारियों के ठीक किए गए हैं। उनके फील अलग होती है पर भावना एक ही होती है कि मुझको जो चीज चाहिए वो दी नहीं जा रही है। शायद पहले भी ब्रोमियम का एक केस मैंने आपके सामने एक वीडियो में बताया हुआ है। तो ये फास्टिंग के बारे में हमने करा। अभी एक और रूब्रिक है इसका डिसकंसर्टेड, मतलब एक हताश होना, लड़ते लड़ते चीजों से टूट जाना और आगे उसको समझ नहीं आ रहा कि इस स्टेट में से मैं कैसे निकलूं, जैसे दिल दिमाग सब पस्त हो जाता है। तो यही हो रहा है ना, बार बार सांस ना आने से वो बिल्कुल एक जैसे हार सी जाती है, टूट सी जाती है, उसको लगता है कि अब मुझको नेबुलाइजर मिले। तो इसमें 2 दवाइयां हैं, ब्रोमियम और इग्निशिया, पर ब्रोमियम हारने के बाद भी कुछ ना कुछ डिमांड वो करती रहती है, इसलिए कहा जाता है लेमेंटिंग होर्स, वो बोलती रहे कि मुझको चाहिए चाहिए चाहिए, थक गई है पर वो फिर भी बोलना नहीं बंद करती है, अटेम्प्ट बंद नहीं करती है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। यही बच्चा पता लग रहा है कि माँ मुझको नहीं दे रही है, पर फिर भी ये माँ के पीछे पड़ी रहती है, हिम्मत नहीं हो रही पर उसको मांगती रहती है, दे दो दे दो दे दो। तो ये कुछ रूब्रिक के आधार पर इसको दिया। अगर हम ये सारे रूब्रिक ना भी लें तो केवल एक रूब्रिक जो इसका था डेल्यूजन फास्टिंग ही इज, उससे भी अकेली ब्रोमियम की पूरी पिक्चर जो मरीज ने दी है उससे अकेले एक रूब्रिक से भी पूरी ब्रोमियम समझ आती है, और पूरी ब्रोमियम बहुत कॉन्फिडेंटली आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, चाहे वो सांस की बीमारी है, चाहे वो जुकाम है, चाहे पेट खराब है, चाहे वो ल्यूकोडर्मा है या कुछ और है। तो फीलिंग तो एक ही है, ये माइंड सिम्टम की, माइंड के इस तरीके की प्रिस्क्राइब करने के तरीके की बहुत बड़ी खूबी है कि आप छोटी सी जानकारी पर विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट्स बहुत एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ये तो बहुत सुविधाजनक है ना, बजाय हम 2 घंटे का केस लें और फिर आपको फिर आखिर में रिपोर्टराइज करके पता लगे मरीज को आराम ही नहीं आ रहा। नॉर्मली ऐसे ही होता है मैं ऐसे प्रैक्टिस में देखा है, लोगों को करते हुए देखा है, इसलिए बात कर रहा हूँ। तो कुछ इसके अंदर अगर हम ब्रोमियम बाद में दवाई देने के बाद इसको स्टडी किया गया तो कुछ में इसके फिजिकल सिम्टम हमारे को मिले रिपर्टरी के अंदर, तो मैं उनको पढ़ देता हूँ। हालांकि उनका हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के समय इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती हम लोगों को। अगर वो सिम्टम नहीं भी होते, यानी पूरी ब्रोमियम अगर किसी सॉफ्टवेयर से हम एक्सट्रैक्ट करें और उसमें ब्रोमियम के बारे में फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं भी दे रखी, और ये रूब्रिक हैं डिल्यूजन फास्टिंग जो भी बताए हैं, और ब्रोमियम की फील है मेंटल फील, तो वो फिजिकल सिम्टम चाहे कोई भी है उसको हटना ही होगा। ये बहुत बड़ी खूबी है, तो इसी को क्योर कहते हैं।
तो ये रूबरिक है, मैं पढ़ देता हूं उनको। लैरिंग्स में दिया गया है, लैरिंग्स में ट्रैकिया क्रूप अकम्पनीड बाई चोकिंग, अर्थात इस वक्त वह लैरिंग्स श्वास नली का ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें सूजन और बलगम के कारण दम घुटने का एहसास हो रहा है, ये इसका सिम्टम का हिंदी मतलब है। तो लैरिंग्स में ही दूसरा रूब्रिक है, लैरिंग्स ट्रेकिया क्रूप हीटेड फ्रॉम बीइंग हीटेड। अभी इसका डिटेल में हम यहाँ नहीं समझाएंगे क्योंकि फिजिकल सिम्टम है और हम फोकस करना चाहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन ऑन माइंड, जो बहुत सटीक है और आसान भी है, और उससे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट दुनिया में किसी पैथी से नहीं आते, क्योंकि हम विद इन सेकेंड्स जान पाते हैं कि हमारी दवाई एक्यूरेट है या नहीं है। 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट, बहुत ज़्यादा 2-3 मिनट लग सकते हैं किसी भी केस में जानने के लिए कि आपका प्रिस्क्रिप्शन एक्यूरेट है या नहीं है। एक और रूब्रिक है, रेस्पिरेशन इम्पेडिड ऑब्स्ट्रक्टेड कॉन्स्ट्रिक्शन चेस्ट ऑफ, मतलब चेस्ट की कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ऐसे लग रहा है कि सांस प्रॉपर आ नहीं रहा, इम्पेडिड माने एक रुकावट जैसी चीज हो रही है उसके अंदर। तो ये कुछ रूब्रिक है इसके जिनके आधार पर दी गई है, और बहुत फास्ट रिजल्ट इसका आया है, उससे फास्ट रिजल्ट जीवन में, ये नहीं कि इसी केस में हमने देखा है, हमने और कहीं पर भी इतना फास्ट रिजल्ट आते हुए ना एलोपैथी में देखा है ना होम्योपैथी में देखा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में जानें, इसको सबको बताएं, ताकि एक होम्योपैथी को बहुत ऑथेंटिक साइंस बनाया जा सके और आप भी बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपने मरीज को प्रिस्क्राइब कर सको, उसको गारंटी दे सको, सर्टेनिटी दे सको कि आप उसको ठीक कर लोगे। आत्मे वो आत्मविश्वास आएगा, आना चाहिए, जरूरी है, तभी मरीज आप पर विश्वास करेगा। और मैं बहुत सारी बातें बोलता हूँ बीच बीच में, शायद ये आपको अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं, पर मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको इससे लाभ हो। मतलब मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि होम्योपैथी हर घर में एस्टेब्लिश हो, होम्योपैथ का समाज में एक जो मिलना चाहिए उनका अधिकार डॉक्टर होने का, वो अधिकार मिले, और बहुत कॉन्फिडेंटली होम्योपैथिक डॉक्टर अपने मरीज को प्रिस्क्राइब कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, पर इसका फायदा देखने का जब ही है जब आप इससे सीख कर लोगों इसको लगाएं, प्रिस्क्राइब करें, वरना तो कुछ फायदा नहीं है वीडियो बनाने का और देखने का भी, ये तो कोई फिल्म तो है नहीं। तो इसको शेयर करें हर प्लेटफॉर्म पे जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी कोशिश होगी कि मैं होम्योपैथी के हर एस्पेक्ट पे, हर रूब्रिक पे कुछ ना कुछ, जो कुछ मेरे को आता है मैं उसको वीडियो बना के आप सब तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।